हाँ, जो बर्फबारी कल से जारी है, दो दिन से जारी है, तो इसमें आपने खुद भी कवरेज की होगी, सभी जो इंटरनल और मेन लिंक्स जो हैं वो खोल दिए गए हैं, तभी हॉस्पिटल के रोड्स जो हैं जो इम्पोर्टेंट हमारे हैं प्रायोरिटी में वो सब खोल दिए गए हैं। तीनों म्यूनसिपलिटीज़ जो हमारी हैं, म्यूनसिपल कमेटी जो हैं, वहाँ पर सारे इंटरनल लिंक्स भी खोल दिए गए हैं। इवन कुछ एरियाज़ हमारे तहसील हेड क्वार्टर्स और वहाँ पर SDH वगैरह जो भी हैं या PHCs, उनके सारे रास्ते खोल दिए गए हैं। अलबत्ता कुछ ऐसे इलाके हैं जो जैसे काफ़ी पहाड़ी इलाके हैं, चूँकि कंटिन्यूसली बर्फबारी हो रही है, तो उसमें जो है हमारी प्रायोरिटी रहेगी, जो ही मौसम ठीक हो जाएगा उसके बाद उनको भी प्रायोरिटी में हम रखेंगे। जैसे कुमकड़ी है आपका, जुमगुंड है आपका, बुडनम्बल वगैरह एरिया है, उसके अलावा करना है, कैरन है, टंगधार का रोड है, काफ़ी डेढ़ डेढ़ फुट दो दो फुट के करीब बर्फबारी हुई है पहाड़ों पर, तो वो भी हमारी प्रायोरिटी है। लेकिन चूंकि वहाँ एक तो एवलांच जोन भी है और उसकी वार्निंग भी है और कंटिन्यूसली स्नोइंग हो रही है, तो ये एक बाधा है उसकी क्लियरेंस के लिए, लेकिन वो भी हमारी प्रायोरिटी में है। उसके अलावा जहाँ तक बिजली का सिस्टम है, इसमें कुछ जगहों पे फीडर्स का हमारे पास रिपोर्ट आया था डाउन हो गए थे, लेकिन वो रेस्टोरेशन साथ साथ चल रही है, और हमें उम्मीद है कि चूँकि एक बिजली जो है इट इज़ ए टिपिकल टेक्निकल जॉब होता है, और इसके लिए भी मौसम का ठीक होना बड़ा ज़रूरी है। जब भी आप इसके साथ छेड़ते हैं या इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, तो कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं कि हैवी स्नोइंग हो रही है, तो इवन इफ़ चूँकि इसमें बीच में एक दो घंटे थोड़ा सा हो गया था, तो हमारी जो बिजली के लोग हैं वो ऑलरेडी ऑन जॉब हैं, और रेस्टोरेशन का काम जो है इस बर्फबारी की वजह से काफ़ी मुश्किल हो रहा है, लेकिन सब तब भी हमारे लोग जो हैं ऑन जॉब हैं और कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ भी फीडर्स डाउन होंगे उनको रेस्टोर करने के लिए रेडी। ये जो CT स्कैन है ये काफ़ी पुराना मॉडल है आपके जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवाड़ा का है, जो अभी आपके डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट जो हमारे हैं उनसे बात हो रही थी, उसके लिए जो है नए मॉडल के लिए हम कोशिश करेंगे, लेकिन पुराना मॉडल भी जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं कि एक महीने से ये ख़राब चल रहा था, ऐसी बात नहीं है। वही मैं अभी सुपरिटेंडेंट साहब को बता रहा था कि हर एक स्टोरी जो है उसका एक पॉजिटिव पहलू होता है, एक नेगेटिव पहलू होता है। बेशक महीना पहले ये ख़राब हुई थी, लेकिन इसमें बाद में बाज़ाब्ता मैकेनिक्स उनने कंपनी वालों ने भेजे, बीच में दो तीन दिन फिर इसको रिस्टोर किया गया चली, लेकिन फिर ये आउट ऑफ ऑर्डर हो गई। लेकिन इसमें जो जो एक्चुअली जो एलिमेंट इसको लगना है वो इसका मदर बोर्ड है, वो बाज़ाब्ता डिस्पैच हो चुका है, वो चेन्नई से आने वाला है। अभी मुझे मैंने पेपर्स भी चेक किए यहाँ पे और वो वहाँ से डिस्पैच हो चुका है, वो कोरियर में आ रहा है, तो हमें उम्मीद है कि दो चार दिन में वो यहाँ पहुँच जाएगा और उसको बाज़ाब्ता फंक्शनल बनाया जाएगा। लेकिन एक चीज़ रहेगी, चूँकि जो टेक्निकल पॉइंट मुझे डॉक्टर साहिबान ने बताया कि एक ओल्ड मॉडल है, इसको नए मॉडल से रिप्लेस करने की ज़रूरत है, आजकल नई टेक्नोलॉजी आई है, उसके लिए हम ज़रूर जो है डायरेक्टर NHM और डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर से मामला उठाएंगे। हाँ, इसके लिए चूँकि ये डिस्कस हुआ है आपके जो यहाँ पे सुपरिटेंडेंट साहब हैं, तो इनको मैंने कहा कि इसका प्रॉपरली प्रपोजल बनाए, क्योंकि वो मेडिकल कॉलेज है और वो भी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में, वो हमारे कंट्रोल में नहीं आता है, वरना हम अपनी लेवल पे भी कुछ इंटरनल अरेंजमेंट्स और अटैचमेंट्स कर सकते थे ताकि इसको फंक्शनल बनाया जाए इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक। लेकिन ये इशू जो है डायरेक्टर NHM और डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के साथ उठाया जाएगा, और उसके लिए सुपरिटेंडेंट साहब को अभी हमने डायरेक्शन दी कि इसके लिए हमें जो प्रपोजल प्रॉपरली बना के। स्टाफ का जो जहाँ तक ताल्लुक है, तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कुपवारा है वहाँ पे तकरीबन 250 के करीब जो हमारी वैकेंसी है डिफरेंट कैटेगरीज़ की है, उसमें मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं, कुछ स्पेशलिस्ट भी हैं, वो हमने गवर्नमेंट के साथ शेयर किया हुआ है। इस वक्त PSC में जो है ऑन प्रायोरिटी जो है खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट की जो है जो सिलेक्शन है और भर्ती का जो मुहिम है वो जारी है, और जो ही वो हमें डॉक्टर्स मिलेंगे स्टेट को मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ कई डॉक्टरों को भेजा गया है, लेकिन उसमें भी 50% लोगों ने ही ज्वाइन किया। हमारा चूँकि ये बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, दूरदराज कश्मीर प्रोविंस में दूरदराज माना जाता है, इसलिए डॉक्टर साहिबान की प्रायोरिटी रहती है कि भाई वो श्रीनगर सिटी के आसपास ही अपनी तैनाती शहरों में ही रहें, लेकिन गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में है, इसलिए PSC को रेफ़र की गई है पोस्टें, जो ही आ जाएंगे, क्योंकि जब फर्स्ट अपॉइंटमेंट होती है तो उसमें मुझे लगता है कि कुपवारा डिस्ट्रिक्ट या बारामूला डिस्ट्रिक्ट के डॉक्टर्स भी उसमें तैनात होंगे, और हमें ये जो कमी है वो पूरी की जाएगी और गवर्नमेंट इसको प्रायोरिटी पे ले रही है। हाँ, इसके लिए सुबह ही हमने डायरेक्टर हेल्थ डायरेक्टर NHM जो हमारे हैं जम्मू कश्मीर के डॉक्टर यासीन साहब, उनसे बात हुई है। हमें यहाँ पे कुछ और एम्बुलेंसेज आ रही हैं डिस्ट्रिक्ट में, तो हम उनको प्रायोरिटी के हिसाब से विद प्रॉपर डिस्कशन जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इन लोगों के नुमाइंदे यहाँ पर हैं और कुपवारा में भी है, वो हमारे तीन एडिशनल आ रही हैं, और स्पेशली वो
अवेलेबल की गई हमें एज ए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, और वो उनके बाजाबता 4x4 गेयर भी है। तो आज ही सुबह ये बात हुई है, उसके लिए भी रैशनलाइजेशन के तरीके से और प्रॉपर रिक्वायरमेंट के तरीके से जहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होगी उन तीन को उसी हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ताकि लोगों में एक एहसास चला जाए कि इसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन एसेट की होनी चाहिए। ओके, देखा कि परसों 3 तारीख को ये लॉन्च हुआ है 15 से 18 का, और हमारा जो पोर्टल है वो खुला हुआ है रजिस्ट्रेशन के लिए, और हो सकता है कि मौसम की बर्फबारी की वजह से थोड़ा काम में रुकावट आ रही है, लेकिन स्टिल हमने इसको मिशन मोड में लिया हुआ, और हमारी हर जगह जो डिजिग्नेटेड वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं 15 से 18 के जहां बच्चों की वैक्सीनेशन करनी है उसके लिए जो है अमला काम कर रहा है, और हमें उम्मीद है, और आपके ज़रिए से मैं इस एज ग्रुप के नौजवानों से और बच्चों से गुजारिश करूँगा कि इमीडिएटली अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवाएँ और नज़दीकी वैक्सीनेशन सेंटर पर आ जाएँ, और ख़ासकर जो थर्ड वेव के मद्देनज़र, क्योंकि अभी आपने देखा होगा मीडिया में काफ़ी सर्कुलेट होगा मुंबई में कंडीशन क्या है, दिल्ली में कंडीशन क्या है, तो इस ओमिक्रॉन के मद्देनज़र मैं चाहूँगा कि आपके ज़रिए से ये लोगों तक एक पैगाम पहुँचे कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर SOPs को फॉलो करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वैक्सीनेशन जो हमारे रह गए हैं 8% के करीब रह गए हैं सेकेंड डोज के लिए, 92% हमने कवर किया है, वो भी आगे आके आपने जिनका ड्यू है इमीडिएटली अपनी वैक्सीनेशन करवाएं, ताकि खुद सेफ हो जाएं, अपने फैमिली को सेफ करें, अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट और यूटी को, और बल्कि मुल्क के लिए सेफ्टी के जामिन बने। हाँ, वो सेकंड प्रायोरिटी के हमारे रोड्स हैं, क्योंकि आपने देखा कि बर्फबारी जो मैंने पहले ही इनिशियल में ही बताया, क्योंकि कंटिन्यूसली बर्फबारी हो रही है, और जो ही ये बर्फबारी थम जाएगी और उसके बाद जो हमारी वो भी प्रायोरिटी पे हैं, उन लोगों को भी फैसिलिटीज़ हासिल करने का पूरा हक है, जैसे शहरी लोगों में मैदानी इलाकों में जैसे लोगों के हकूक हैं वैसे ही उन कटे हुए या बॉर्डर एरियाज़ के लोगों के हकूक भी हैं, लेकिन चूंकि मौसम कंटिन्यूसली बर्फबारी हो रही है और एवलांच वार्निंग भी है पहाड़ी इलाकों में, तो उस हिसाब से हम प्रॉपरली सेफ्टी के मद्देनज़र जो है उनको भी प्रायोरिटी पे लेके खाली करने जा रहे हैं।